students, now we are going to solve the question number 5 of your exercise of chapter 4, that is sorting materials into groups. ठीक है, तो question number 5 क्या है? Given below are the names of some objects and materials. नीचे आपको क्या दिया गया है? ये कुछ objects दिए हुए हैं, water, basketball, orange, sugar, globe, apple, ठीक है, और earth and pitcher. तो group them as, हमें group करना है round shape में और other shape में, eatables में और non-eatables में. ठीक है, तो round shapes क्या होता है? राउंड शेप मतलब जिनका शेप कैसा होता है, गोल. तो गोल शेप वाले क्या होंगे? यहाँ पर ऑरेंज होगा और बास्केटबॉल इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अदर शेप. जो अदर शेप होंगे वो क्या होंगे, एप्पल है, अतन पिचर है, शुगर है, अदर शेप है ये, है ना. ग्लोब भी कैसा है, राउंड शेप ही है. वाटर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा शेप वाला, है ना. अब ईटेबल्स क्या है, यहाँ पर हम शुगर, ऑरेंज और वाटर, ये कैसे हैं, खाने वाले हैं. एप्पल इज ऑल्सो देयर. नॉन ईटेबल क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल, अर्थन पिचर, ग्लोव. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दोज आर नॉट ईटेबल्स, जिन्हें हम खाते नहीं है. चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन द वॉटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन टू. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपको देखना है ऐसे कौन से मटेरियल है जो पानी पे तैरते हैं, और अगर सपोज वो वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो क्या वो ऑयल और केरोसिन में भी तैरते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे वुड, बैम्बू, कॉर्क, प्लास्टिक बॉटल्स, और आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जैसे स्ट्रॉ है, दीज आर. ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज आर फ्लोट ऑन द वाटर, पानी में क्या करते हैं, तैरते हैं. बट अगर आप इन्हें देखेंगे तो नन ऑफ दीज can be float on oil and kerosene. ठीक है, आप लिखेंगे कि ये ऑयल और, ठीक है, ऑयल और केरोसिन पर क्या नहीं होता है, ये तैरता नहीं है. ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं या ग्रुप्स हैं उनमें से हमें क्या निकालना है, ऑड वन फाइंड आउट करना है, अलग चीज फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज चेयर, बैट, टेबल, बेबी और कपबोर्ड. तो इसमें से बेबी अलग हो जाएगा, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड और लोटस. तो यहाँ से बोट अलग होगा, बाकी सभी फ्लावर्स हैं. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड, सब मेटल से यहाँ से सैंड अलग हो जाएगा. शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर भी सैंड इज डिफर फ्रॉम all these things. ठीक है, तो बेटा it was your chapter, it was all about your chapter sorting materials into groups. ठीक है, अब आपका chapter पूरा हो चुका है, properly note down कर लीजिए, और अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं. Thank you.